एवरीवन एंड वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सम इम्पोर्टेंट रैपिड रिवीजन नोट्स। सो दिस इज अवर पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग द रैपिड रिवीजन नोट्स। ओके, सो ये वीडियो के शुरुआत में हम देखेंगे सबसे पहले शेड्यूल्स। ओके, सो जो शेड्यूल्स पूछे जाते हैं उसका हम रिविजन कर लेते हैं। सो शेड्यूल टू द रोल्स। सो सबसे पहले आता है शेड्यूल ए। तो शेड्यूल ए के अंदर क्या होता है? फॉर्म्स। ओके, परफॉर्म आ फॉर फॉर्म नंबर 1 to 50। जो फॉर्मेट्स होते हैं जिसको हम परफॉर्म आ कहते हैं। ओके, सो फॉर्म्स का जो फॉर्मेट है, फॉर्म का जो कंटेंट है, वो सब शेड्यूल ए के अंदर दिया है। देन फॉर्म तो आपके पास है ही, तो अब नेक्स्ट क्या नक्की करना है? उसकी फी, क्योंकि बिना फीस के तो आप फॉर्म कोई फिलअप नहीं कर सकते। सो रेट्स ऑफ द फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सीडीएल और गवर्नमेंट एनालिसिस। जो आप फॉर्म भरते हो कोई ड्रग का एनालिसिस करवाने के लिए, कोई ड्रग का टेस्ट करवाने के लिए, तो वो रहेगा शेड्यूल बी के अंदर। देन शेड्यूल सी, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के जो इंजेक्टेबल्स है, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स, सेरा, पेनिसिलिन, कि जो इंजेक्टेबल है। और शेड्यूल सी वन के अंदर सेम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही है बट नॉन पेरेंटल। ओके, डी जो है वो एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट। ई वन के अंदर है आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, बट कौन? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। एफ के अंदर है प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक। सो ब्लड बैंक के लिए शेड्यूल है एफ, एंड ई वन जो है वो फॉर पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। एफ वन के अंदर है स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू ए बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट लाइक बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, सेरा एक्सेट्रा। एफ टू के अंदर है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। एफ थ्री है वो है अम्बिलिकल टैप्स। डबल एफ जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। शेड्यूल जी है लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल अकॉर्डिंग टू, एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन, एंटीहिस्टामाइन। शेड्यूल एच के अंदर है लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, मतलब कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल एच की ड्रग्स जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। शेड्यूल जे, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलमेंट दैट शुड नॉट क्लेम टू क्योर एनी डिसीज, मतलब कि अनक्यूरेबल डिसीज, कैंसर, एड्स, कैटरैक्ट, डायबिटीज वगैरह क्या है? अनक्यूरेबल डिसीज। जस्ट आप उनको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो, बट 100% क्योर कैन नॉट बी पॉसिबल। तो वो सब डिसीजेस का जो लिस्ट है वो शेड्यूल जे के अंदर है। शेड्यूल के अंदर होता है कि लिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूल एम रिलेटेड टू जीएमपी। एम वन है जीएमपी का ही है बट फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, एम टू फॉर कॉस्मेटिक एंड एम थ्री फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सो कॉमनली शेड्यूल एम जो है वो रिलेटेड टू है जीएमपी, बट उसके भी तीन पार्ट है एम वन, एम टू एंड एम थ्री। सो एम वन फॉर होम्योपैथिक, एम टू फॉर कॉस्मेटिक एंड एम थ्री फॉर मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट टू रन ए फार्मेसी, वो है शेड्यूल एन। स्टैंडर्ड फॉर डिसइनफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली पूछा जाए कि फिनॉल इज अंडर द विच शेड्यूल, तो इट इज ए शेड्यूल ओ, H2A2, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कोहल वगैरह शेड्यूल ओ के अंदर आते हैं। देन शेड्यूल पी, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन। देन कॉल्टाल कलर्स, जो कॉल्टाल कलर्स आते हैं वो भी रहेगा शेड्यूल क्यू के अंदर। पी के अंदर लाइफ पीरियड, मतलब कि जो एक्सपायरी डेट है। आर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, सो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो शेड्यूल आर के अंदर है। आर वन के अंदर होता है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस। एस के अंदर है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। टी के अंदर है जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। एंड शेड्यूल यू जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिसिस एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। शेड्यूल यू वन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ
cosmetic, Schedule V standard for patent and proprietary medicines, Schedule W list of drug marketed under generic names के जो omitted है। तो question पूछा जा सकता है कि कौन सा schedule जो है वो अभी omit किया हुआ है, it is omitted, तो Schedule W is a omitted। X के अंदर है आपको पता है कि narcotic and psychotropic substance, opium, morphine etc. and Schedule Y requirement and guidelines on a clinical trials। सो ये रहा शेड्यूल। फिर उसके बाद फॉर्म पूछे जाते हैं, तो फॉर्म्स के अंदर है कि सबसे पहले ड्रग अदर देन द स्पेसिफाइड इन ए शेड्यूल सी सी वन, ओके, तो वो है किसके अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19, होलसेल एंड रिटेल दोनों के लिए फॉर्म नंबर 19 है, एंड लाइसेंस फॉर्म 20B फॉर होलसेल एंड 20 नंबर फॉर ए रिटेल सेल। सेम उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड जनरल स्टोर के लिए 19A और लाइसेंस फॉर्म है 20A R61। देन ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1 बट एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, तो उसके लिए फॉर्म होलसेल एंड रिटेल के लिए 19, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 90A और लाइसेंस फॉर्म रहेंगे उसके लिए 21B 21 एंड 21A। देन ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, तो उसके लिए फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है 19C, ओके, ये पूछा गया था है बहुत बार कि ड्रग स्पेसिफाइड इन ए शेड्यूल X, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है 19C, एंड लाइसेंसिंग फॉर्म रहता है 20G नंबर और रिटेल के लिए 20F एंड R61-1। देन नेक्स्ट जो है वो सेल ऑफ ड्रग फ्रॉम मोटर व्हीकल, ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन CC1, तो 19AA दोनों के लिए होलसेल एंड होलसेल के लिए, एंड लाइसेंस रहेगा 20BB एंड 21BB और R62D रहेगा, ओके। देन होम्योपैथिक मेडिसिंस के लिए 19B जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है और लाइसेंसिंग रहेगा 20D। सो ये फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ये कुछ सेक्शंस, ओके, सेक्शंस कवर इन D&C Act, तो सेक्शन 20 जो है वो है गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए, 21 फॉर ए ड्रग इंस्पेक्टर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो वो रहेगा सेक्शन 21। देन पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स, ओके, तो वो रहेगा सेक्शन 22। प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर्स वो रहेगा सेक्शन 23। देन सेक्शन 33C फॉर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, 33D फॉर द आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी, 33E फॉर ए मिसब्रांडेड ड्रग, 33EE फॉर एडल्ट्रेटेड ड्रग एंड 33EEA फॉर स्पूरियस ड्रग। तो इतने ही सेक्शन आपको याद रखने हैं, इसी में से हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके, कि अभी कुछ रिजेंट में एक एग्जाम हुई थी उसमें 33EE ही पूछा गया था कि वो किसके लिए है, तो इट इज़ ए फॉर एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज़ ए एब्रीवेशंस। सो ANDA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वो है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, IND मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड NDA मतलब कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो है BCS क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लास वन ड्रग क्या है, तो इट इज हैविंग ए हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास टू मतलब हाई परमिएबिलिटी एंड लो सॉल्युबिलिटी, क्लास थ्री हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी, एंड क्लास फोर मतलब लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। तो ये आपको याद रखना है चार्ट स्पेशली फॉर BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ए ड्रग। आगे देखते हैं रिविजन्स के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट वेरिएशन लिमिट्स, ओके। सो जो टैबलेट्स की जो वेट वेरिएशन लिमिट आपको याद रखनी है कि एज पर IPBP एंड USP, तो टैबलेट के अंदर तीन लिमिट्स है वेट वेरिएशन की, एक 10% है, 7.5% एंड 5%।
सो जो 10% जो है वो कब अलो है, समझो कि 80 mg और उससे लेस है टैबलेट का वेट, एज पर IPNBP, तो आप 10% लिमिट लगा सकते हो। और समझो कि उसका वेट ज़्यादा है 130 और लेस, तो एज़ पर USP आप जो है उसका 10% रख सकते हो। फिर एज़ पर IP समझो कि 80 और 220 के बीच में वेट है, तो वेट वेरिएशन लिमिट रहेगी 7.5, वेरेज फॉर USP इट इज़ 130 to 324। और समझो कि 250 mg से ज़्यादा है तो लिमिट रहेगी 5% एज पर IPBP एंड फॉर USP मोर देन 324 mg। कैप्सूल के लिए भी ये नियम लागू होते हैं, बट उसकी रेंजेस अलग है। तो एज पर IP जो लिमिट है 10% लेस देन 300 mg, कैप्सूल का वेट 300 mg से ज़्यादा है, सॉरी 300 mg से कम है, तो 10% वेट वेरिएशन अलाउ। एंड समझो कि 300 mg और मोर तो 7.5 mg। सो ये याद रखना है आपको वेट वेरिएशन लिमिट्स। उसके बाद ये फ्रायबिलिटी वाला बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो फ्रायबिलिटी के अंदर क्या है कि दिस टेस्ट इज एडिशनल टू चेक द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट बाय दिस टेस्ट वन कैन चेक कैपिंग एंड और लेमिनेशन। USP लिमिट इज 0.5 to 1%, तो एज पर USP फ्रायबिलिटी कितनी होनी चाहिए 0.5 to 1%। एंड रोटेशन रहेंगे 25 RPM और 100 रोटेशन इन 4 मिनट। सो कई बार पूछा जाता है कि 100 RPM नहीं, 100 रोटेशन इन 4 मिनट, जबकि RPM कितने, तो 25 RPM आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वो है आपको याद रखना है, वो है टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम। सो जो अनकोटेड टैबलेट है उसके लिए 15 मिनट इन वाटर विथ डिस्क, और टेम्परेचर रहेगा 37 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। कोटेड टैबलेट है नोट मोर देन 30 मिनट इन वाटर डिस्क फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट एंड नॉट मोर देन 60 मिनट अदर देन फिल्म कोटेड टैबलेट। सो 30 मिनट जो है वो फिल्म कोटेड के लिए एंड अदर देन फिल्म कोटेड के लिए 60 मिनट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए इंटेक फॉर 1 आवर इन 0.1 नॉर्मल HCl एंड डिसइंटीग्रेट विद इन 2 आवर्स इन मिक्स 6.8 फॉस्फेट बफर अकॉर्डिंग टू USP, 1 आवर इन सिम्युलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड देन इन सिम्युलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। मतलब कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट को पहले आपको जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उसके अंदर 1 घंटे के लिए डिसइंटीग्रेट करवानी है, और आफ्टर दैट 2 आवर इन ए फॉस्फेट बफर। डिस्पर्जिबल सॉल्यूशन, अथवा सॉरी डिस्पर्जिबल और सॉल्यूबल टैबलेट्स, जिसको हम डिस्पर्जिबल टैबलेट कहते हैं, तो विद इन 3 मिनट इन वाटर, विद इन 3 मिनट इन वाटर। देन ओरल डिस्पर्जिबल टैबलेट की जो सिर्फ ओरल कैविटी में ही आपको डिस्पर्स करवानी है, तो विद इन 1 मिनट। नेक्स्ट इज द एफरवेशन टैबलेट। एफरवेशन टैबलेट के लिए रहेगा 5 मिनट इन 250 ml वाटर एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एज पर IP एंड 5 मिनट इन 200 ml वाटर एट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस एज पर BP। देन बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट नॉट एप्लीकेबल बट डिजॉल्व विद इन 15 to 30 मिनट। सो ये इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द टैबलेट कैप्सूल। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैबलेट का ही, वो है टैबलेट के प्रॉब्लम्स। सो ये डेफिनेशंस पूछी जाती है और कहा जाता है कि आइडेंटिफाई दिस डिफेक्ट। तो कैपिंग, के अंदर क्या होता है कि कैपिंग इज द टर्म व्हेन अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द टैबलेट सेपरेट्स हॉरिजेंटली। मतलब कि टैबलेट का जो अपर एंड लोअर पोर्सन है, मतलब कि उसकी जो एजिस है वो ब्रेक डाउन होती है, तो उसको हम कहेंगे कैपिंग। लेमिनेशन और लेमिनेटिंग इट मीन्स सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजोंटल लेयर, ये ही सेंटेंस लिखा जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इन एग्जाम। सो टैबलेट का सेपरेशन इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इट मीन्स ए लेमिनेशन। देन चिपिंग, इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजिस। टैबलेट की जो एजिस जो होती है वो
ब्रेकडाउन होगी तो उसको हम कहेंगे चिपिंग। ओके, नेक्स्ट इज क्रैकिंग। स्मॉल फाइन क्रैक्स ऑब्जर्व्स ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ द टैबलेट, मतलब कि जो क्रैक दिखा जाए आपके टैबलेट के सरफेस पे, तो जिसको हम कहेंगे क्रैकिंग। नेक्स्ट इज स्टिकिंग। स्टिकिंग रिफर टू द टैबलेट मटेरियल अधेरिंग टू द डाइवॉल। फिल्मिंग इज ए स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग एंड लार्जली ड्यू टू द एक्सेसिव मॉइस्चर इन द ग्रैन्युलेशन। ड्यूरिंग ग्रैन्युलेशन आपके ग्रैन्युल्स के अंदर मॉइस्चर है, तो उसके कारण स्टिकिंग एंड फिल्मिंग हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, इट इज ए पिकिंग। पिकिंग इज द टर्म यूज व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच फेस। ओके, मतलब कि पिक होता है, टैबलेट के जो पंच होते हैं वो समझो कि कुछ मटेरियल को उसके साथ स्टिक करके वहां से रिमूव कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे पिकिंग। नेक्स्ट इज मोटलिंग। मोटलिंग मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट। ओके, सो कलर कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, बट समझो कि कोई प्लेस में कलर ज़्यादा है, कोई जगह पे कलर डल है, तो उसको हम कहेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो डिफेक्ट को कहा जाता है मोटलिंग। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कलर डिफेक्ट ऑफ टैबलेट इज कॉल ए मोटलिंग। वॉट इज डबल इम्प्रेशन। डबल इम्प्रेशन इन्वॉल्व ओनली दोज पंचेस विच हैव ए मोनोग्राम और अदर इनग्रेविंग ऑन देम। अब ये है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोटिंग। तो ब्लिस्टरिंग एक प्रॉब्लम आता है टैबलेट कोटिंग में। इट इज ए लोकल डिटेचमेंट ऑफ फिल्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ब्लिस्टर। नेक्स्ट इज चिपिंग। चिपिंग इट इज द डिफेक्ट वेयर फिल्म बिकम्स चिप एंड डेंटेड, यूजली एट द एजेस ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट है क्रेटरिंग। इट इज द डिफेक्ट ऑफ फिल्म कोटिंग वेयर वॉल्केनिक लाइक क्रेटर्स अपीयर एक्सप्लोरिंग द टैबलेट सरफेस। पिकिंग। पिकिंग के अंदर क्या होगा कि आइसोलेटेड एरिया ऑफ ए फिल्म आर पुल्ड अवे फ्रॉम द सरफेस व्हेन द टैबलेट स्टिक टुगेदर एंड देन पार्ट। टैबलेट एक दूसरे के साथ समझो कि स्टिक होती है, तो उसके कारण क्या होगा, एक दूसरे का जो कोटिंग है वो एक्सचेंज होगा, या फिर तो एक दूसरे का वो रिमूव कर देंगे कोटिंग, तो उसको हम कहेंगे पिकिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज पिटिंग। इट इज अ डिफेक्ट वेयर पीट सकर्स इन द सरफेस ऑफ ए टैबलेट कोर विदाउट एनी विजिबल डिस्टर्शन ऑफ द फिल्म कोटिंग। ब्लूमिंग। इट इज अ डिफेक्ट वेयर कोटिंग बिकम्स डल इमीडिएटली और आफ्टर द प्रोलॉन्ग स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर। मतलब कि आपने जो कोटिंग किया है एकदम बढ़िया सा, वो एकदम डल हो जाता है। ओके, तो जिसको हम कहेंगे ब्लूमिंग हुआ। नेक्स्ट है ब्लशिंग। इट इज द डिफेक्ट बेस्ट डिस्क्राइब एज ए वाइटिस स्पैक्स और हेजीनेस इन द फिल्म। ओके, कि जो हेजीनेस आपको दिखने मिलती है जिसको हम कहेंगे ब्लशिंग। देन कलर वेरिएशन, अ डिफेक्ट विच इन्वॉल्व द वेरिएशन इन कलर ऑफ द फिल्म। इन फिलिंग। इट इज द डिफेक्ट दैट रेंडर्स द इंटेग्रेशंस एंड इंडिस्टिकनेस। ये काफ़ी आईएमपी है। ऑरेंज पील इफेक्ट और रफनेस। इट इज द सरफेस डिफेक्ट रिजल्टिंग इन द फिल्म बींग रफ एंड नॉन ग्लोसी। अपीयरेंस इज सिमिलर टू डेट एंड ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज की सरफेस आप सभी ने देखी होगी कि वो क्या है, ग्लोसी है, सॉरी नॉन ग्लोसी जो है वो हमें, और रफ सरफेस देखने को मिलती है। तो ऐसी ही सरफेस आपके टैबलेट पे भी होगी, तो जिसको हम कहेंगे ऑरेंज पिल इफेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है क्रैकिंग। सो इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच द फिल्म आइदर क्रैक्स अक्रॉस द क्राउन ऑफ द टैबलेट और स्प्लाइट अराउंड द एजेस ऑफ द टैबलेट। अब यही हम देखते हैं डायग्राम्स के अंदर। तो पिकिंग एंड स्टिकिंग हम देख सकते हैं पहले डायग्राम के अंदर। ओके, तो टैबलेट से एक दूसरे के साथ स्टिक हो सकती है। देन कैपिंग एंड लेमिनेशन। तो अलग अलग लेयर्स के अंदर टैबलेट जो है वो क्या हुई है, अलग हुई है, सेपरेट हुई है। देन ट्विनिंग, कि ट्विनिंग के अंदर बेंडिंग देखने को मिलता है या फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। ओके, देन रफनेस, ऑरेंज पील इफेक्ट, इरोजन एंड ब्रिजिंग। ओके, तो ये सब टैबलेट के मेन डिफेक्ट्स है। सो ये लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हम हमारे थर्ड पार्ट के अंदर करेंगे. सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.